नमस्कार दोस्तों, कबीर जी के दोहे सुनाता हूँ आपको। निर्मल गुरु के नाम सो निर्मल साधु भाए, कोयला होए न ऊजला सोमन साबुन लाए। निर्मल गुरु के नाम सो निर्मल साधु न भाए, कोयला होए न ऊजला सोमन साबुन लाए। सतगुरु के सत्य ज्ञान से निर्मल मन वाले लोग भी सत्य ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन कोयले की तरह काले मन वाले लोग मन भर साबुन, मतलब मन कुंटल और मन, ऐसे जो कहते हैं ना कुंटल केजी मन, मन भर साबुन मलने पर भी उजले नहीं हो सकते, अर्थात उन पर विवेक बुद्धि की बातों का असर नहीं होता। कबीर जी कहते हैं, दीपक सुंदर देख करी सबसे अच्छा, दीपक सुंदर देख करी जरी जरी मरे पतंग, बड़ी लहर जो विषय की जरत न मोरे अंग। वापिस, दीपक सुंदर देख करी जरी जरी मरे पतंग, बड़ी लहर जो विषय की जरत न मोरे अंग। दीपक की सुंदर सुनहरी लहराती लो की ओर आकर्षित होकर कीट पतंगे उसमें जल मरते हैं, इसी प्रकार कामी लोग भी विषय वासना की तेज लहर में बहकर यह तक भूल जाते हैं कि वे डूब मरेंगे। भक्ति बिगाड़ी कामियां इंद्रिन करे स्वाद, भक्ति बिगाड़ी कामियां इंद्रिन केरे स्वाद, हीरा खोया हाथ सों जन्म गवाया बाद। इसका मतलब यार मेरे को समझ में नहीं है। वैसे कबीर जी की जो दोहे हैं वो नॉर्मल पढ़े लिखे इंसान आराम से समझ सकते हैं, लेकिन कई कई दोहे हैं जिनको हम नहीं समझ सकते, उनका अर्थ हमें देखना ही पड़ता है। वैसे अपन सारे दोहों का अर्थ देखेंगे। और इसका है, इंद्रिय सुख में पड़कर कामी लोग भक्ति और कल्याण के मार्ग का भी त्याग कर देते हैं, इस प्रकार सत्य ज्ञान का हीरा गंवाकर वे अपना अनमोल जीवन निरर्थक कर देते हैं। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कबीर मूरख पंडिता दोनों एक समान। बहुत ही अच्छा, एक बार और बोलता हूं, काम क्रोध मद लोभ की, काम क्रोध मद और लोभ की जब लग घट में खान, घट मतलब अपने मन मस्तिष्क में दिमाग में खान लग जाती है, जैसे हीरे की खान हो गई, सोने की खान हो गई, खादान जिसको बोलते हैं, है ना, इनकी जब मन में खान लग जाती है, कबीर मूरख पंडिता दोनों एक समान, मूरख और पंडित दोनों एक समान हो जाते हैं। अगर किसी के मन में इन बातों की क्या खान लग जाती है या ये बातें ज्यादा समय तक रहती है, जैसे कि जब तक शरीर में काम क्रोध लोभ मद और मोह जैसे विकारों का भंडारण है, कबीर कहते हैं कि तब तक मूर्ख और पंडित दोनों एक जैसे हैं, अर्थात जिसने सत्य ज्ञान से इन विकारों को जीत लिया वह पंडित है और जो इनमें फंस गया वह मूर्ख है। ठीक है, फिर है, माया मन की मोहिनी सुरनर रहे लुभाए, माया मन की मोहिनी सुरनर रहे लुभाए, इन माया सब खाइया माया कोई न खाए, इन माया सब खाइया माया कोई न खाए। अर्थात माया मन की क्या है, मोहिनी है, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, रहे लुभाए, इन दोनों को इसने मतलब नहीं छोड़ा, इन दोनों को ही लुभाया है। इन माया सब खाइया, इस माया ने सभी को जीत लिया है, सभी को खा लिया है, ऐसे समझ लो, माया कोई न खाए लेकिन माया को कोई नहीं जीत पाया है। माया मन की मोहिनी वाली ठगने वाली है, देवता मनुष्य आदि सभी को यह अपने वश में कर लेती है, यह माया सबको जीत लेती है लेकिन इसे कोई नहीं जीत पाता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ये है कबीर की बुक, अभी इसमें कबीर की दोहावली है ना, है ना। धन्यवाद।